गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज के वीडियो में हम कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त की एवं पूजा विधान की जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी भी बजा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। काम का एकादशी व्रत कथा। सावन महीने के अंधेरे पाठ में पढ़ने वाली एकादशी को काम का एकादशी का व्रत बोलते हैं। कुछ लोग इसी को पवित्र एकादशी के भी नाम से जानते हैं। इस काम का एकादशी को व्रत करने के लिए व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या का भी पाप इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है तथा अंत में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इनकी पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा, दैनिक क्रिया को निपटा लीजिए, स्नान करके विष्णु भगवान की प्रतिमा को या फोटो को स्नान करा के ऊंचे आसन पर पीला वस्त्र बिछा करके और भगवान विष्णु को विराजमान करिए। इसके बाद शुरुआत में व्रत का संकल्प लेकर धूप दीप चंदन नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करते हैं। व्रत कथा को पढ़ते और सुनते हैं। संकल्प जो है, ध्यान दीजिएगा, संकल्प सिर्फ एक ही बार किया जाता है और वो भी कब? पहली बार। एकादशी या तो पूरे साल की जाती है या फिर 11 एकादशी की जाती है। इतना करने के बाद आप उद्यापन करवा दीजिएगा। पूजन करने के बाद व्रत कथा पढ़ें और सुने। तो व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक काल में किसी गांव में एक ब्राह्मण और एक ठाकुर रहा करते। दोनों मनुष्यों में बहुत मित्रता थी, बड़े गहरे दोस्त थे। एक दिन किसी बात को लेकर के ठाकुर और ब्राह्मण में बहस हो गई। ठाकुर को क्रोध आ गया और ठाकुर ने म्यान से तलवार निकालकर ब्राह्मण की गर्दन को काट दिया। ब्राह्मण की तो मृत्यु हो गई और उधर ठाकुर को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ठाकुर बहुत परेशान हो। तब ठाकुर विद्वानों के पास में गया और पश्चाताप किया, अपनी परेशानी बताई और विद्वानों ने सलाह दिया काम का एकादशी व्रत करो जाके। ठाकुर ने विद्वानों की सलाह मान करके काम का एकादशी व्रत किया और रात में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने प्रतिमा के सामने सो गया। रात में सपना हुआ। सपने में क्या देखता है? भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन देकर ठाकुर को ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दिया। तो ठाकुर ब्राह्मण की तेरहवीं करने के बाद ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर विष्णु लोक चला गया। तो 31 जुलाई बुधवार 2024 को काम का एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। हमारे अन्य वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो हैं। आवश्यक सूचना, आप पर किसी ने तंत्र प्रयोग किया है, आपके बच्चों पर
आपके परिवार पर या आप पर किसी ने जादू टोना करवा रखा है या आपका बच्चा दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। हस्तरेखा परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, जन्मपत्री निर्माण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, सुंदरकांड, विवाह, संतान प्राप्ति आदि मांगलिक कार्य हेतु संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9807-2255-23, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, शिवनगर, कुशवाहा मार्केट, नई बस्ती, मसवानपुर, कानपुर नगर। जय माता दी।